बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो वाकया हुआ है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, ये बहुत काबिल मजम्मत है और इसकी मैं आपको हिस्ट्री पहले बताता हूँ। ये 1923 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, मेरे परदादा, ने इसके दो कैंपसेस अपनी जाती जमीन पर बनवाए थे बहावलपुर से। इसका जो तीसरा कैंपस है, ये एक होता था सादिक ट्रस्ट, ये सादिक ट्रस्ट की जमीन पर बनाया। ये जो ट्रस्ट था इसके अंदर सादिक पब्लिक स्कूल भी था, जामे अब्बासिया मस्जिद भी थी, दो तीन इसके अंदर ऑर्फनेजेस भी थे और दो तीन और इसके अंदर एजुकेशनल के हवाले से हाई स्कूल्स थे। ये जो ट्रस्ट है ये 1970s के अंदर नेशनलाइज किया गया था। एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट जिसे अमीर और बहावलपुर ने चलाना था वो नेशनलाइज किया गया और दे दिया गया था काफी। अगर ये आज हमारे पास होता, ये ट्रस्ट, उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी होती और अमीर और बहावलपुर मेरे वालिद साहब नवाब सलाउद्दीन अब्बासी इसके हेड होते, तो मुझे यकीन है कि ऐसे वाकयात और ऐसे दिन रियासती कौम को देखने के लिए ना मिलते। अब ये हाल बना दिया गया है कि जो यहाँ के रियासती हैं वो अपनी बेटियों को यहाँ भेजने से 10 दफा पहले सोचेंगे। मैं यही चाहता हूँ और मेरी अपील है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेहरबानी करें और जो जो भी इसके अंदर मुलविस है उनके साथ जो लीगल तरीका है डील करने का उनसे डील किया जाए और रियासती कौम को रिलीफ दीजिए, क्योंकि ये उनके घर की यूनिवर्सिटी है, ये उनकी यूनिवर्सिटी है, उनके लिए ये अब्बासिया यूनिवर्सिटी है जिसका नाम बदल दिया है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बनाया। आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह आप लोगों को खुश रखें।